हिंदुत्ववादी विचारधारा की प्रखर वक्ता और सोशल मीडिया पर अक्सर सुर्खियों में रहने वाली साध्वी देवा ठाकुर इस वक्त टीकरी बॉर्डर पहुंची हैं, हमारे साथ हैं। जानते हैं कि किसान आंदोलन को किस तरीके से वो समर्थन दे रही हैं। जी, पहले तो आपका धन्यवाद कि आप लोग पहुंच रहे हैं। दूसरी बात, सबसे पहले मैं जो इस किसान आंदोलन के अंदर 50 के करीब हमारे किसान शहीद हो गए, मैं उनको नमन करना चाहती हूँ। दूसरी बात, ये कोई आम साधारण आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन एक जन क्रांति आंदोलन हो चुका है जिसकी चर्चा देश विदेश में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मुझे लगता है कि भारत की एक बहुत बड़े इंसल्ट हो रही है। और अब प्रधानमंत्री को मान जाना चाहिए कि भगवा और भगवे पे भी लोग संदेह करने लगे हैं। भगवा और भगवे पर भी संदेह करने लगे हैं लोग। आंदोलनकारियों को खालिस्तानी तक कहा जाता है, पाकिस्तानी तक कहा जाता है। आपको कहाँ से लगता है कि हम आतंकवादी हैं? आपको कहाँ से लगता है कि हम देशद्रोही हैं? कल तक वो अन्नदाता आपको रोटी खिला रहा था। ये आपके भारत के लोग हैं प्रधानमंत्री जी, ये विदेश से नहीं आए, ये पाकिस्तान से नहीं आए। आप हर दिन कहते हैं कि फंडिंग हो रही है, हर दिन कहते हैं विदेश से पैसा आ रहा है। अगर विदेश से पैसा आ भी रहा है तो सिखों ने, सरदारों ने, पंजाब ने हमारे जवान विदेशों में कमाने के लिए भेजे हैं, और अपने माँ बाप के लिए अगर कोई भेजते हैं तो कोई गुनाह नहीं। आपकी विचारधारा हमेशा आरएसएस से जुड़ी हुई लगती है, सरकार के हितैषी लगती है, और यहाँ पर तो तमाम किसान सरकार की लगातार बखियाँ उधेड़ने में जुटे हैं। देखिए, जिस देश के 40-40 जवान शहीद हो जाएं, जहाँ पे किसान इस तरह रोज मर रहे हो, पूरी दुनिया जब सड़क पे हो, तो क्या सत्ता का लालच करूँ मैं घर में बैठ के? क्या बाकी सब लोगों की भाषा बोलूँ मैं ऐसा नहीं कर सकती। जो लोग आज मेरे पे भी शक करते हैं कि आपने टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन कर दिया है, क्या आप खालिस्तानी हो गए हैं, क्या आप पाकिस्तानी हो गए, क्या कहाँ से लगते हैं हम लोग? जब तक हम मोदी जी की बात कर रहे थे, सरकार की बात कर रहे थे, तो आपको हम राष्ट्रभक्त लग रहे थे, इतनी जल्दी कैसे बदलाव? लेकिन जिनके आप समर्थक रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर जी की बात करें तो उन्होंने इस आंदोलन को पाड़ने के लिए एसवाईएल का मुद्दा छेड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की साजिश है, दूसरी पार्टियों की साजिश है, खालिस्तानी तंज भी कसे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 303 सांसद उसके बावजूद भी पूरे देश की जनता को बहका नहीं सके, और वो 66 और 60 की बात करते हैं कि बरगला दिया, पूरा देश नहीं बरगलाया, बल्कि ये आज वो स्थिति पैदा होगी कि 56 इंच का सीना कम पड़ गया, वहाँ पे निर्दयता दिखाई दे रही है। 56 इंच का सीना कम पड़ गया, चलिए कृषि कानूनों की बात करते हैं। आप बताएं, क्या समझे आपने इन तीनों कृषि कानूनों के बारे में? मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन मेरे देश का किसान अनपढ़ हो सकता है? पार्लियामेंट में बैठे हुए वो लोग, वो विद्या मंदिर की बात करने वाले लोग, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लोग, वो उस मंदिर के पुजारी जिनको हम एडवोकेट कहते हैं, क्या वो समर्थन देने आ रहे अनपढ़ हैं? मतलब वो समर्थन दे रहे हैं इसलिए आप समर्थन दे रहे हैं, आप भी भीड़ चाल का हिस्सा बना? मैं भीड़ चाल? क्या ये पूरा देश आपको भीड़ चाल नजर आता है? मेरे को इतना जरूर समझ में आता है, मैं कानून की व्यवस्था की बात नहीं करती। हर मीडिया वाला यही पूछता है कि आपको कानून समझ में आया? मुझे मेरे बुजुर्ग मरते हुए, मेरी ये जाती हुई लाशें, ये समझ में आती है। चलिए, बुजुर्गों की लाशें और ये जो सड़क पर किसान बैठे हैं, इनकी भाषा देवा ठाकुर को समझ में आ गई है, इसीलिए जिस सरकार का वो, जिस प्रधानमंत्री का वो समर्थन करती आ रही हैं, जिनके पक्ष में सोशल मीडिया पर लगातार आवाज़ बुलंद करती आई हैं, आज उनके खिलाफ इकट्ठा हुई हैं और उनके खिलाफ जमकर बोल भी रही हैं, और किसानों के हक में एक ही आवाज़ बुलंद कर रही हैं कि इन तीन कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए और इन किसानों की बात सुन ली जाए। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टीकरी बॉर्डर।